चल मेरी जान। हमारे राज भाई रिकमेंड किए और बम बम भाई की R1 मत लेना भाई, किसी भी हाल में लेना है तो नहीं जाएगा सर, प्लीज सर जाने देना सर। क्या हाल समाचार भाई लोग? जी सर ओके। देख रहे भाई मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग डूड। हे गुड मॉर्निंग लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग? अगेन वेलकम बैक इन अदर वीडियो। और आज है संडे, तो आज फिर से अगेन हम लोग जा रहे हैं संडे राइड पे। आज राइड नहीं बोल सकते, आज नॉर्मली हम लोग का छोटा सा मीटअप है। और यार कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन होता है ना यार, वो मोटिवेशन यार खत्म हो गया वीडियो बनाने, इसलिए सब लोग जो भी मोटो ब्लॉगर है सब लोगों ने ये डिसाइड किया भाई कि सब लोग दरभंगा राज कैंपस में मिलते हैं भाई, हमारा मोटिवेशन बूस्ट होगा और वीडियो बनाने में मजा आएगा। और एक मोटिवेशन और मिलता है वो है भाई कि आप लोग लाइक शेयर जितना करोगे भाई, भाई के चैनल को जितना प्यार दिखाओगे उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का और अलग ही मज़ा, अलग ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और ये अपनी बाइक एज यूजुअल, आज फिर हम लोग जा रहे हैं पल्सर 220 अपनी धनों से। 7:30 हो रहा है, 8 बजे हम लोग पहुँचना है दरभंगा राज कैंपस में, तो यहाँ 40 मिनट मेरे को लगेगा जाने में। ओके 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 ऑलराइट ऑलराइट, चल मेरी जान रेडी हो जा। क्या मौसम भाई, संडे राइड का भाई सुबह में ही मज़ा आता है यार, संडे राइड करने में ऐसे करो ना तो मज़ा नहीं आता भाई। संडे राइड मतलब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग डूड, मॉर्निंग में संडे राइड का अलग ही लेवल है। चलो इसको पार करते हैं भाई, चल मेरी जान। हो ये क्या आ गया भाई? अबे भाई तो रेगिस्तान आ गया यार। अबे भाई मत कर बे यार, ये तो साइकिल वाला भाई देख रहे हो भाई, चार्ज अप हो गया यार देख के मेरे को। ये होता है भाई मोटो ब्लॉगर का भाई, बस किसी को देख के एग्जॉस्ट इस तरह कर दो बस बंदा चार्ज अप हो जाएगा भाई, चाहे आपकी कितनी बड़ी बाइक क्यों ना हो वो रेस लगा लेगा उसकी स्कूटी भी। फिर भी रोड जिस पर बाइकर को पकाया जाता है भाई, इस रोड पर बाइक चला के स्पीड दिखाना तब पता चलेगा भाई क्या आपकी औकात असल में है भाई। देख रहे हो गाड़ी भागी दायां बायां, हो डांस कर रही है तो मेरी जान। तो मज़ा आता है भाई अपनी बाइक को चलाने का, इसी में मज़ा है भाई। ओ भाई सेकंड में भाई 100+ हो जाती है भाई, पता भी नहीं चलेगा कब 100 छू गया बाइक हमारी यार। अगर कंट्रोलिंग होता ना भाई इस बाइक में भाई, तो इस बाइक को भाई कभी नहीं छोड़ता यार, कसम से बता रहा हूँ। लीन लीन इसे कहते हैं लीन भाई। यहाँ भी आस्ते कर ले, तेरी औकात नहीं भाई कितना स्पीड में घूमेगा तू यार, पता चल गया अपने भाई का जान ले लेगा तू यार, आराम से चल। राइड पे आने वाले हैं कुछ नए लोग भी आने वाले हैं राइड पे आज, आई मीन मीटअप पे। और एज यूजुअल जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे भाई राज की 390 बहुत दिन हो गई भाई की बाइक देखी हुई, 390 और राइड की बहुत दिन हो गया, तो आज देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो भाई की बाइक को राइड करेंगे। अब निकल भाई, ये तो धुआं धुआं कर दिया यार, क्या बाइक 390 भाई, एंट्री लेवल सुपर बाइक जिसे बोलते हो ना, वो है एंट्री लेवल सुपर बाइक। अरे इस बाइक में भाई बोलो मैं ऑनेस्टी बता रहा, कंट्रोलिंग होता ना भाई तो इस बाइक को मैं कभी नहीं छोड़ता यार। इधर है ओपन इन्वायरमेंट है तो फिर आप इसको थॉटल दे सकते हो, क्योंकि पता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बट क्लोज जगह पे इज टू डेंजरस। NH पे भाई लोग बोलते हैं ना कि काफ़ी आसान है बाइक चलाना, खुला जगह है, चौड़ी जगह है, चौड़ी चलाएंगे आराम से भाई। NH सबसे डेंजरस होता है भाई बाइक एज ए बिगनर के लिए भाई, जो बिगनर है उनको लगता है ना, हम लोग को भी लगता था जब बाइक सीखते थे, अरे NS तो आराम से NS पे गाड़ी चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, चौड़ा चौड़ा रास्ता खुला रास्ता होता है। क्या चल रहा भाई, इट्स टू डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है बाइक चलाना तो वो NH पे है भाई एज ए बिगनर के लिए यार, क्योंकि आपको अवेयर होना पड़ेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दरभंगा सिद्धाड़ा पे भाई, ये रहा सिद्धाड़ा। राज भाई का फिर से रिएक्शन देखना भाई, वो फिर से बोलेगा क्या सलमान भाई आज फिर से आप लेट हो गए। अबे अबे देख लो पीछे देख लो यार, अबे ये लोग यार बताओ यार, संडे राइड को कुछ कांड ना हो जाए। हम लोग हमेशा हम लोग इस चीज़ का भाई सेफ्टी, संडे राइड में बस हमेशा सेफ रहते हैं भाई, कुछ कांड ना हो जाए भाई। देखो अभी बताओ अगर मैं स्पीड में रहता भाई तो क्या होता, ट्रैफिक में क्राउडी इलाके में बाइक हमेशा धीरे ही चलाओ भाई, अपनी जान तो है भाई किसी और की भी जान है यार, उसको भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप बाइक चला रहे हो तो एकदम स्पीड में उड़ा दिए भाई, ऐसा नहीं है। चला सकते NH पे चलाओ भाई, आपका बाइक जितना अलाउ करता है जो इसकी कैपेसिटी उतना चलाओ।
बस जस्ट 5 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। सो बस अब यहाँ से आगे लेफ्ट टर्न मेरे को लेना है, तो दरभंगा राज के बस आ जाएगा। पता नहीं भाई लोग आए कि नहीं आए, भाई देखना पड़ेगा मेरे को। बे यार ये तो हमेशा साला यहाँ पर रहता ही यार, आए कि नहीं आए राज भाई मेरे को देखना पड़ेगा। ओके आज यार कोई बंदा लेट हुआ ना भाई, आज मैं बोलूँगा यार, हमेशा राज मेरे को बोलता है कि आ चुका है। आई थिंक बम भाई की बाइक लग रहा है, मेरे को कॉल वॉल घुमाना पड़ेगा भाई, सारे लोग रह गए गए भाई। देखता हूँ पूछते हैं कहाँ पे। ओहो देख रहे हो गाना। मॉर्निंग भाई, किधर हो? अरे भाई मैं फोन ही नहीं उठा रहा यार। मैं तो आ चुका हूँ दरभंगा राज में हूँ अभी मैं। आए हुए हो क्या? हाँ बस अभी जस्ट पहुँचा हूँ। तो भाई सीन ये हो गया ना। क्या बोलूँ भाई, मेरे को तो कुछ वर्ड ही नहीं दिख रहा है, स्पीचलेस हूँ मैं। क्या बोलूँ, किसको खराब बोलूँ किसको अच्छा बोलूँ भाई। देखो कल रात में ग्रुप में बात हो गई थी, सब लोग आ रहे हैं भाई, बट सब लोगों ने जैसा राम बम्बम भाई राज भाई कहना है, मैं भी देखा हूँ ग्रुप में कि लोग मैसेज सीन करके भाई कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या मतलब इसका क्या जा रहा है? लोग चाहते वो हो नहीं भाई, सपना भी पूरा हो जाए, शौक भी पूरा हो जाए और अपना पॉकेट मनी भी बचा रहे, ये नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो मैं ये बोल रहा था ना भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं भाई, कुछ करना पड़ता है भाई, ये जान कुछ तो भाई एफर्ट देना पड़ेगा मेरे भाई, मेरी जान बैठने से तो नहीं होगा ना भाई, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करना है ना भाई, तो घर से दूर निकलना पड़ेगा भाई, घर से दूर निकलना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी वो चीज़ भाई आप अचीव कर पाओगे। घर बैठे बैठे कोई चीज़ अचीव नहीं होता भाई, ये चीज़ जान लो भाई। सपनों को पूरा करने के लिए सपने तो सबके पास होते हैं भाई, उससे क्या है भाई, सपने तो सारे लोग देखते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी भाई सब लोग पूरा कर लेंगे। देखना और उसे पूरा करने में जो अंतर डिफरेंस बीच में होता है नहीं भाई, वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। कि बम्बम भाई और राज भाई हमारी कम्युनिकेट हो गई, तो उन्होंने कहा है कि राज में हम लोग सब लोग तो नहीं आ पाए हैं, सीधा मिलते हैं आपको दोनाड़ में। सलाम वालेकुम। छोटे भाई को भी तो याद कर लिया। तो वास्तव आप तो हमारे दरभंगा के किंग है, तो आप लोग तो हमारे भैया को जानते हैं भाई, दरभंगा के इंस्टा के भाई हमारे भैया किंग है। वीडियो अच्छी बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो भैया से हमारी बहुत सारी बात हो गई, तो भैया ने काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ जो होता है ना भाई, जिससे मोटिवेशन मिलता है, तो भैया ने बोला वो चीज़ आप करने के लिए। तो ये थे फयाज रेडर, आप लोग जैसा जानते हैं इंस्टापिन का आईडी है, काफ़ी मतलब बोल सकते भाई इंस्टापिन का काफ़ी अच्छा खासा फॉलोअर है। तो बस कैजुअली अभी हम जा रहे थे, भैया का यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस है, वो रन करते हैं, तो भैया ने आवाज़ दी, आप लोगों ने देखा ही, तो मिल लिए भैया से। भाई सुबह कुछ खाए नहीं, बस इसको तो चाहिए ना भाई कुछ ना कुछ अंदर में। तो मेरे पास कैश था, कुछ पैसा बचा हुआ। ओके भाई लीजिए 100 रुपीज़, पैसा का तो जान खिला हुआ भाई। सर ओके देख रहे भाई, एक रिस्पेक्ट तो बनता है भाई, सैल्यूट भाई। इतनी गर्मी में भाई ये लोग, जाओ भाई जाओ, मतलब हम लोग भाई एक जैकेट पहन लेते तो लगता है कि कितना गर्मी लग रहा है, ये लोग का देखो भाई इतनी गर्मी में भी ये सर लोग भाई इतना मोटा मोटा पोशाक यूनिफॉर्म पहन के आप लोग के लिए सड़क पे काम करते हैं रोज सेफ्टी के लिए भाई, तो आप लोग थोड़ा भाई इनकी रिस्पेक्ट करो भाई। क्या हाल समाचार भाई लोग, बढ़िया? बताइए कैसे चलता है काम? हमेशा राज मेरे को बोलता था कि आप लेट से आते, बताया आज मैं ही सबसे पहले आ गया हूँ। आज ये रही अपनी 390 सेक्सी हुलिगन बाइक स्ट्रेट फाइटर, ये अपने बम्बम भाई की R15 version 3, ये सेक्सी चीज़ ये है भाई, वो तो स्ट्रेट फाइटर। बम्बम भाई की बाइक का तो कलर ऐसा ना भाई कि कावासाकी निंजा फेल, देसी बसंती भाई धन्नो, इसका कोई तोड़ नहीं भाई, जहाँ मनमान तो रहा बोलो छुई हुई है भाई, हर जगह नहीं चला सकती बात जान लो भाई, कुछ ना कुछ करेगा कांड। अब देखो इसका मन हो रहा था ऑर्डर देने का, मेरे को पता है, नो वेरी वेल। अबे भाई आराम से, अबे यार ये तो माहौल ही बना देता है यार। नहीं जाएगा सर, प्लीज सर जाने दीना सर, हम लोग हमेशा आते हैं सर। हाँ ठीक है, आपका ये काम है तो आपको मना किया होगा, तो आई नो अंडरस्टैंड। कैमरा सर, आपका वीडियो आप लोग देखेंगे लाखों लोग। मजाक नहीं कर रहा हूँ क्या?
अंदर नहीं जा सकते? नहीं, चलिए ओके, कोई नहीं, थैंक यू, आपकी काम है तो हम क्या बोलो, है कि नहीं? ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। भाई मिले छोटू, इनका ये चीज़ बोलना है कि भैया थोड़ा फोटो ले सकते हैं, लेकिन छोटू छोटू वन मिनट, अब फोटो तभी लोगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे बम्बा माइक को, मेरे चैनल को। ओके ओके भाई, तो आज का राइड हम लोग का कंप्लीट हो गया है। राइडर भाई थैंक यू सो मच, आज के राइड के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए, आज का क्या प्लान था, क्या हो गया? हाँ क्योंकि पता है सारे लोग संडे है तो घोड़ा बीच के सो जाते हैं। ठीक है राजा भाई, ओके ओके ओके, चलिए थैंक यू। हमारे राज भाई रिकमेंड किए और बम्बम भाई की आर वन मत लेना भाई, किसी भी हाल में लेना है तो RR 310। आप लोग मिनी दुकाती अपने ग्रुप में आएगा, आप लोग कमेंट करना कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, RR 310 या R1M, है कि नहीं? राइट, हमारे ये ऑडियंस के लिए। फाइनली दोस्तों आज का संडे राइड कुछ अच्छा नहीं रहा, जैसा आप लोगों को पता है यार कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आना है सलमान भाई, आना है, बट लोग आए नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई। भाई लोगों ने सजेस्ट किया कि R15M आप मत लो, क्योंकि बाइक का पोस्चर इतना एग्रेसिव है ना भाई, हैंडल इतना डाउन हो जाता है। ठीक है डाउन हो जाता है वो चीज़ मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, आई कैन, बट गाड़ी में अगर पावर होता ना भाई तो डाउन भी होता है तो उतना फील नहीं होता है, गाड़ी को पावर दे खींच सकते हो इस तरह, बट भाई पावर भी नहीं है डाउन में, आप हो इस तरह से हम ठेर, मतलब कान में चाबी लगाने वाली बात है भाई, चाबी लगा के रखे रहो तब गाड़ी भागेगी, तो कहीं ना कहीं बाद में इन फ्यूचर मेरे को काफ़ी दिक्कत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट हम लोग भाई मोटो ब्लॉगर हैं तो कभी कभी लंबा टूर भी जा सकते हैं, तो RR 310 इज बेस्ट बाइक, पावर, कंट्रोलिंग, बहुत सारा मोड्स, टायर सेक्शन, पैनिक या लिटिल डैडी, क्या बाइक भाई, सुपर सुपर। मेरे दिमाग में ये चीज़ था तो ये जो भी भाई बाइक एक्सपर्ट लोग हैं जो अच्छी बाइक चलाते हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा पता होता है, तो राज भाई के पास जैसा यू नो वेरी वेल 390 है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अब RR 310 लो आँख बंद करके। भाई देख रहे हो ये है बाइक लीजेंड, देख रहे हो भाई क्या बाइक है, तभी तो ये मन खुश कर देती है भाई। ओके डियर, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में, जब तक लाइक करना, भाई के चैनल को शेयर करना, डू लाइक एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब।